टॉपिक पे फिल्म बनी है और कुछ नया अनोखा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और आयुष्मान और भूमि दोनों की फ़ैन हूँ. सिनेमा थोड़ा बदल रहा है तो इन चीज़ों की खुल के बात हो रही है, ये मुझे अच्छा लगा. सुपर मंगल सावधान में आप क्या चाहेंगे कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होने, सुख ज़्यादा हो, मंगल ज़्यादा हो, सावधान क्या आप कुछ बताइए? सावधान तो मैं रहती हूँ, मुझे लगता है शुभ और मंगल हो वही काफ़ी है. पर आपका अटायर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, कुछ बताइए. आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं. बस कैजुअल सी ड्रेस पहननी थी, हील्स पहनने क्योंकि आप लोग होंगे इसलिए. आप स्माइलिंग है, जस्ट फील लाइक जंपिंग ऑल द टाइम, इतनी ज़्यादा नर्वस एनर्जी है. रिएक्शन वॉज फैंटास्टिक, जहाँ दुबई में भी रिलीज हो गई है वहाँ से भी रिएक्शन इज नाइस. वी जस्ट थिंक दैट द ऑडियंस इज लव इट एज मच. मैं कह रही हूँ ना, हंस हंस के हम लोग पागल हो गए, इससे ज़्यादा क्या कैसे, बहुत मज़ेदार है. आप बताइए कि कैसी लगी है? बहुत ही अच्छा लगा. आई थिंक आनंद राय, कृषिका लुल्ला, प्रसन्ना एंड ऑफ कोर्स द कास्ट, आयुष्मान एंड भूमि ने बहुत ही अच्छा काम किया. अरे बहुत बड़ी हिट है ये फिल्म, बहुत मज़ा आ गया. आई थिंक आनंद राय कलर येलो और इरोस की जो कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है कि बहुत लकी कॉम्बिनेशन है. बता नहीं पाऊँगा, एक तो बता दूँ कि इनकी बहुत लकी कॉम्बिनेशन है और ये बहुत अच्छी फिल्म बनाई है इन्होंने. एक तमिल फिल्म की रीमेक है बट उससे कई गुना अच्छी फिल्म है मुझे लगता है. और जहाँ तक आयुष्मान और भूमि का काम है, फिनोमिनल. उनका ही नहीं, जितने भी कास्ट हैं जिन्होंने भी काम किया है, जितने माँ बाप हैं, जो दोस्त हैं, सब ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी. लेकिन आई थिंक यू कांट फॉरगेट भूमि एंड आयुष्मान, वो दोनों ही बहुत एक्सेप्शन रहे. आयुष्मान के डायलॉग डिलीवरी और भूमि के सारे आँखों और आँखें जो एक्सप्रेशन देती हैं, मुझे अपने तनुवर्ष मनु की याद आ गई. आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म. अभी तक तो अब मैं आराम कर रही हूँ पिछले एक हफ्ते से, दो हफ्ते से. कुछ एक्साइटिंग है पर मैं चाहूँगी प्रोड्यूसर्स बोले उसके बारे में. नहीं कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बताने वाली हूँ.